हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। होपिंग डैट कि यार आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अनअकैडमी ने मुझे न्यू टी शर्ट भेज दिया है, तो इसके लिए थैंक्स अनअकैडमी को। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। जैसा कि यार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कोई भी स्पॉट काउंसलिंग अगर कंडक्ट होता है जो कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपडेट कहाँ पर मिलेगी? स्टूडेंट्स पर यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप यूजी में हो चाहे आप पीजी में हो, आप सभी के लिए एक स्पॉट ऑन काउंसलिंग कंडक्ट हो रहा है जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, इसमें कितना आपको फीस लगने वाली है, कितना आपका एप्लीकेशन फी है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि यार आपको अगर अप्लाई करना है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, मैं देखता हूँ यार काफ़ी इंटरटेनमेंट वाले वीडियोज होते हैं, उस पर लाइक्स काफ़ी होते हैं, लेकिन यार ये तो वीडियो आपके करियर से रिलेटेड है यार, इस पर लाइक्स आप लोग नहीं करते यार, कर दिया करो, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लाइक करते हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करती है और लोगों के पास वो वीडियो पहुँचती है। और यार चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। राइट, देखो यार ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल जो कि मणिपुर में है। राइट, अब यहाँ पे ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर स्टेट का, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो आपका यहाँ का लिंक वगैरह होता है वो मैं दे देता हूँ। राइट, तो वो सब आप चेक कर लिया करो। मैं देखता हूँ बहुत से लोग अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि ये लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स किस लिए है यार, उसी में दिया गया। राइट, तो देखो यार सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यूजी पीजी पीएचडी सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिक यूजी कोर्सेस के लिए। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किन किन जो कोर्सेस हैं उनमें सीट्स अवेलेबल हैं, किसके लिए अवेलेबल हैं। राइट, तो देखो यार बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, इसमें गर्ल्स बॉयज सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है बीएससी कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशंस, तो इसमें क्या है कि केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। राइट, एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, राइट, इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सभी लोग। राइट, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अनअकैडमी का सबसे बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोडिजी बैक आ चुका है, जिसमें आप 20 लाख तक के कॉलेज ग्रांट जीतकर अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आप क्लास 7 से लेकर 12 तक, या फिर आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 100% तक की सब्सक्रिप्शन पे ऑफ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैकबुक, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, एंड इसके साथ साथ यार आपको अमेजन इको डॉट, अमेजन बाउचर, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। एंड गाइज, आप सभी को मैं बता दूं कि 25 से लेकर 27 यानी कि रिपब्लिक डे स्पेशल पे आप अगर अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन कोई भी लेते हैं एक ईयर का या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन बिल्कुल दिया जा रहा है, अगर आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं BU00 मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आपका अर्ली जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 2023 जेईई मेन एडवांस के लिए, जिसमें आपको न्यूक्लियस एजुकेशन के डायरेक्टर्स और टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे कोटा के। एंड इसी के साथ साथ 27 जनवरी से आरंभ 2.0 बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। PCM या फिर PCB या फिर अगर आपका मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से रहा है 12, 10+2, तो अगर उसमें आपका एग्रीगेट जो होता है यानी कि PCM जो तीनों कोर्सेज मिलाकर होते हैं 50% है, देन यू आर एलिजिबल, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, और एक साथ इसके एज लिमिट है कि अगर आपका 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप मिनिमम 16 ईयर के हो चुके हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। राइट, ये बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन इसी के बेसिस पे होगा जो आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, जब आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे, डेट क्या है वो भी मैं बात करने वाला हूँ, देन आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेसिस पे। और ये टोटली काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगा, हालांकि फिजिकल रिपोर्टिंग वो हो सकता है आपको फिजिकली जाना हो, बट उसके रिगार्डिंग अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन आपका काउंसलिंग पूरा ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका सेमेस्टर फी है, सभी कोर्सेस के लिए सेम है,
ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 54,380 रुपये, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका 53,080 रुपये, ये आपका सेमेस्टर फी है पर सेमेस्टर, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में। देखिए, अगर आपका इसके थ्रू एडमिशन होता है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप एनी इंटर्नशिप विच इज प्रोवाइडेड बाई ICAR या फिर आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, बस ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जो कि मैंने, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे, मैंने ये चीज़ आप सभी को बहुत पहले बताया था कि स्पॉटट्रॉन काउंसलिंग में आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब नोटिस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाकर वहाँ के थ्रू आप फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखो यार, 24 से लेकर 28 जनवरी के बीच में या फिर 28 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ी कितना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स जितने भी हैं, इनका 300 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे आप तो आपको देना होगा, आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करना होगा, राइट। SC ST और फिजिकली जो चैलेंज कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये है, ठीक है, 150 रुपये, मात्र 300 रुपये और 150 रुपये। तो ये चीज़ें हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। अब बात करते हैं कैसे हमें अप्लाई करना होगा, राइट। देखो यार, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पर, क्रोम में, या फिर जहाँ भी आपका ब्राउजर है उसमें, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको मेन उनके वेबसाइट के डैशबोर्ड पर ही आपको शो हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है आप लोग के, जिससे आप लोग को हेल्प मिल जाए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो यार, जैसे आप लोगों ने डॉक्टर अजय प्रसाद के लिए आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया होगा, सेम ऐसा इंटरफेस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आता है सेकंड थिंग कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना जो स्कैंड फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना होगा, आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगा, 12th की मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ आप आसानी के साथ कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं, ये स्टेप आपने पूरा कर दिया, देन आपको पेमेंट करना होगा SBI को एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे पेमेंट करेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपका प्रूफ हो जाए, और वो आपको बाद में जब भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज लास्ट में डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब इतना तो मेरी जनता इंटेलिजेंट है ही कि वो खुद से अप्लाई कर सकती है, जो कि मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो हमारे टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, तो अगर नहीं हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस, गाइडेंस क्लासेस लेता हूँ आप सभी के लिए। आज भी मेरी क्लास होगी, इवनिंग में होगी, लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आना है, जिसका डाउट है वो आ सकता है, किसी को फोर्स नहीं है, आओगे आप खुद के लिए आओगे, खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए आओगे, खुद के करियर के लिए आओगे, राइट। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, मैं इतना सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।